I welcome you all in the second part of my lecture on collective bargaining. The second part of lecture focuses on collective bargaining in India. भारत में सामूहिक सौदेबाजी भाग दो में भारत में सामूहिक सौदेबाजी विषय पर विस्तृत चर्चा प्रस्तुत की जाएगी। इस चर्चा का क्रमवत अध्ययन करने में हम भारत में सामूहिक सौदेबाजी की पृष्ठभूमि, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सामूहिक सौदेबाजी, भारत में श्रम पर राष्ट्रीय आयोग और सामूहिक सौदेबाजी विषय के साथ साथ भारत में सामूहिक सौदेबाजी के चरण, स्तर, सामूहिक सौदेबाजी अनुबंध और अंत में भारत में सामूहिक सौदेबाजी की सफलता और विफलता पर चर्चा करेंगे और अंत में निष्कर्ष के रूप में हम सामूहिक सौदेबाजी की स्थिति को भारत में जानने का प्रयास करेंगे। सामूहिक सौदेबाजी अगर हम भारत में सामूहिक सौदेबाजी की पृष्ठभूमि को देखें तो इस पृष्ठभूमि में हम ये पाएंगे कि औद्योगिक विवादों के निपटारण में इन द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कलेक्टिव बार्गेनिंग बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट। इट्स अ न्यू फेनोमेना एंड इट इज ऑल्सो रेकमेंडेड टू अडॉप्ट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग टू सॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया। विभिन्न लेखकों का यह मानना है, विद्वानों का यह मानना है कि भारत में भी औद्योगिक विवादों को सॉल्व करने में, इसके निस्तारण में सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया औद्योगिक विवादों का एक शांतिपूर्वक निस्तारण करने का प्रयास करता है। सामूहिक सौदेबाजी के लिए जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है participation of workers and collective bargaining is a fundamental basis for peaceful industrial relations. शांतिपूर्वक औद्योगिक रिलेशन को चालू रखने में सामूहिक सौदेबाजी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इस भूमिका को अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी पर्याप्त मान्यता मिल चुकी है। सामूहिक सौदेबाजी वर्कर्स के संगठित बल को प्रदर्शित करती है और सामूहिक सौदेबाजी के सफलता में वर्कर्स के स्ट्रेंथ और एम्प्लॉयर्स के कोऑपरेशन, वर्कर्स की शक्ति और एम्प्लॉयर के सहयोग की आवश्यकता। यदि हम भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत सामूहिक सौदेबाजी का विश्लेषण करें, किस तरह से सामूहिक सौदेबाजी का भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत रिकॉग्निशन होता है, तो सर्वप्रथम हमको मिलेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना में वर्कर्स के राइट ऑफ एसोसिएशन को स्वीकार किया गया था। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए वर्कर्स के राइट ऑफ एसोसिएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में भी राइट ऑफ एसोसिएशन एक फंडामेंटल फ्रीडम के रूप में सारे सिटीजन्स को अवेलेबल है, तो इस तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग्स के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता है राइट ऑफ एसोसिएशन, संगठित होने का यह अधिकार सारे वर्कर्स को भारतीय संविधान के तहत मिला हुआ है। मान्यता यह है कि
वर्कर्स का, श्रमिकों का संगठित होने का यह अधिकार उनके एम्प्लॉयर के साथ विवाद में, जिसको हम औद्योगिक विवाद के नाम से जानते हैं, उसमें सरकार की भूमिका को कम करता है। इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग द एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स दे फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स देयर डिफरेंसेस with the employer by using their collective force and initially they try to solve their problem themselves without intervention of state. The use of collective bargaining minimizes the state intervention. Sarkar ke intervention ko kam karna collective bargaining ki safalta ka ek manak bhi mana ja sakta. आगे बढ़ते हुए अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखें, भारत सरकार के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विवादों के म्यूचुअल सेटलमेंट की बात की गई है, म्यूचुअल सेटलमेंट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बेस्ड ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग। जब भी हम वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच किसी विवाद के म्यूचुअल सेटलमेंट की बात करते हैं तो उस म्यूचुअल सेटलमेंट में कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से वर्कर्स कलेक्टिव रूप में अपने कंसर्न्स को एम्प्लॉयर के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल होते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम तृतीय पंचवर्षीय योजना पर ध्यान दें तो भारत सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना स्वैच्छिक आर्बिट्रेशन को बढ़ावा देती है। इट इनकरेजेज वॉलंटरली आर्बिट्रेशन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। स्वैच्छिक आर्बिट्रेशन का ये प्रोविजन, उसके लिए पंचवर्षीय योजना में वर्कर्स को इनकरेज किया जाना वर्कर्स की कलेक्टिव बार्गेनिंग का इनडायरेक्ट रिकॉग्निशन। वर्कर्स कलेक्टिव बार्गेनिंग को यूज करके इसके माध्यम से वॉलंटरली आर्बिट्रेशन का डिसीजन ले सकते हैं और अपने विवादों का निस्तारण कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर हम भारत में जो अभी तक श्रम आयोग बने हुए हैं, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, राष्ट्रीय श्रम आयोग बने हुए हैं, अब तक दो राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया जा चुका है। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1969 में सबमिट की थी और द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन 2002 में सबमिट की थी। अगर हम राष्ट्रीय श्रम आयोगों को एग्जामिन करें और ये जानने का प्रयास करें कि राष्ट्रीय श्रम आयोग सामूहिक सौदेबाजी को किस तरह से देखता है, कैसे इसको प्रमोट करता है, तो हम पाते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 में सामूहिक सौदेबाजी के उपयोग, इसकी सफलता और इसके महत्व पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय श्रम आयोग ने ट्रेड यूनियंस के रिकॉग्निशन की बात की थी। लेक्चर के प्रथम भाग में हमने देखा था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के सफलता के लिए एक मजबूत ट्रेड यूनियन का होना आवश्यक है। एक मजबूत ट्रेड यूनियन कलेक्टिव बार्गेनिंग को एक आधार देता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग को यूज करने का एक माध्यम बनता है। और प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग में श्रम आयोग का यह रिकमेंडेशन था कि ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्निशन मिले और ट्रेड यूनियन को मजबूत बनाया जाए। ट्रेड यूनियन का मजबूत बनाया जाना कलेक्टिव बार्गेनिंग की सफलता का एक माध्यम।
ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन के साथ साथ प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग में वर्कर्स के राइट टू स्ट्राइक और एम्प्लॉयर्स के राइट टू लॉकआउट को भी ध्यान में रखा गया है। ट्रेड यूनियंस को आप कितना हो पावरफुल बना दीजिए, इनको कितना हो स्ट्रेंथ आप दे दीजिए, अगर इनको राइट टू स्ट्राइक नहीं मिलता है तो शायद ये अपने संगठित शक्ति का उपयोग ना कर पाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रथम राष्ट्रीय आयोग ने जब ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन की बात की तो उसने ट्रेड यूनियन को राइट टू स्ट्राइक भी देने की बात की, और ट्रेड यूनियन का राइट टू स्ट्राइक या फिर एम्प्लॉयर का जो राइट टू लॉकआउट है, हम सभी जानते हैं ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में और वर्तमान में अगर हम देखें तो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में राइट टू स्ट्राइक की बात की गई है और राइट टू स्ट्राइक को रेगुलेट किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय आयोग ने कलेक्टिव बार्गेनिंग के यूज को भी बढ़ावा दिया है और कलेक्टिव बार्गेनिंग के यूज को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन मिला हुआ है और साथ ही साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग यूज करने के लिए राइट टू स्ट्राइक हड़ताल करने के अधिकार को भी मान्यता मिली है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय आयोग ने कलेक्टिव बार्गेनिंग को बढ़ावा देने के लिए, इसको वर्कर्स को संगठित करने के लिए और वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया हुआ है, जो अपने आप में एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम भारत में सामूहिक सौदेबाजी के चरण स्तर की बात करें तो भारत में सामूहिक सौदेबाजी के चरण और स्तर में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। सर्वप्रथम चार्टर ऑफ डिमांड्स। चार्टर ऑफ डिमांड वह चरण है जिसके तहत जिसके अंतर्गत वर्कर्स संगठित रूप में अपना डिमांड एम्प्लॉयर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और हम सभी जानते हैं अगर वर्कर्स के डिमांड को एम्प्लॉयर मान लेता है तो मामला वहीं पर खत्म हो जाता है, अगर वर्कर्स के डिमांड को एम्प्लॉयर नहीं मानता है तो एक तरह का विवाद, एक तरह के डिफरेंसेस एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में स्टार्ट होता है। इस द्वितीय चरण में चार्टर ऑफ डिमांड प्रस्तुत करने के बाद वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट होता है। द्वितीय चरण में नेगोशिएशन के तहत वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में डिबेट, इनके बीच में डिस्कशन उन विधियों को लेकर के होता है जो डिमांड के विषय वस्तु है, चार्टर ऑफ डिमांड के विषय वस्तु। और ये नेगोशिएशन जिसके तहत वर्कर्स और एम्प्लॉयर डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ये द्विपक्षीय प्रकृति का होता है, बाईपार्टाइट एग्रीमेंट। बाईपार्टाइट एग्रीमेंट में दो पक्षकार होते हैं और दो पक्षकार इस कलेक्टिव बार्गेनिंग में इस चरण में दो पक्षकार हैं, वर्कर्स और एम्प्लॉयर। अगर इनके बीच एग्रीमेंट हो जाता है डिबेट और डिस्कशन करने के बाद नेगोशिएशन का रिजल्ट आ जाता है और इस नेगोशिएशन के तहत ये अपने विवादों को निस्तारित करने में सफल रहते हैं तो मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर ऐसा संभव नहीं है एंड दैट नेगोशिएशन फेल्स, एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, तब तृतीय स्तर पर, तृतीय चरण पर कलेक्टिव बार्गेनिंग यूज किया जाता है और यह हमको दिखता है स्ट्राइक के रूप में। जो वर्कर्स हैं, जो उनका संगठन है, जो ट्रेड यूनियन है, वो स्ट्राइक करते हैं एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में और इसके द्वारा एक 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 दबाव बना करके अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्ट्राइक की नौबत तभी आती है जब नेगोशिएशन फेल हो जाता है। चौथे चरण पर हम ये देखते हैं कि
डिस्प्यूट के केस में, किसी विवाद के केस में एक कंसिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग जब स्टार्ट होती है तो बेसिकली ये त्रिपक्षीय प्रकृति की होती है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में एक पक्षकार वर्कर, दूसरा पक्षकार एम्प्लॉयर और तीसरा पक्षकार होता है स्टेट की एजेंसीज। वो कंसिलिएशन ऑफिसर हो सकता है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन होता है, या फिर ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट के नाम से जाना जा सकता है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में दोनों पक्षकारों के बीच के डिस्प्यूट को एक दूसरे पक्षकार के द्वारा सेटल करने का प्रयास किया जाता है। और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग का जो माध्यम बनता है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के लिए जो रूल है वो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दिया गया है, और उसको फॉलो करके कंसिलिएशन करने का प्रयास किया जाता है। अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग सक्सेसफुल रहता है, ये सफल रहता है, तो इसके तीन तरह के रिजल्ट हो सकते हैं। पहला, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, वर्कर्स के एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में जो डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट होता है। अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो दूसरा इसका कंक्लूजन बनता है, निष्कर्ष होता है नो सेटलमेंट, एंड इन दैट सिचुएशन पार्टीज मूव फॉरवर्ड एंड दे अप्रोच टू द अदर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटीज फॉर सेटलमेंट ऑफ दिस। और तीसरा निष्कर्ष, अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग सक्सेसफुल नहीं होता है तो मामले को रेफर किया जाता है लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर किया जाता है और वो मामले की सुनवाई करते हैं। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से लेकर के नेशनल ट्रिब्यूनल तक के मामले जो होते हैं वो त्रिपक्षीय प्रकृति के होते हैं, जिसमें मामले का निस्तारण एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उसके द्वारा के। और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के माध्यम से एक कंपल्सरी एडजुडिकेशन पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। ये कंपल्सरी इसलिए होता है कि दोनों पक्ष का इसको मानने के लिए बाध्य हैं और जिसके माध्यम से इनके बीच विवादों का निपटारा करने का प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात अगर हम सामयिक सौदेबाजी अनुबंध एग्रीमेंट को देखें, तो जैसा मैंने आपसे कहा कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स, सामूहिक सौदेबाजी अनुबंध जो है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है बाईपार्टाइट और वॉलंटरली एग्रीमेंट, जिसको हम द्विपक्षीय अनुबंध कहते हैं। इस द्विपक्षीय अनुबंध में एक पक्ष वर्कर या फिर इनका एसोसिएशन या फिर इनका ट्रेड यूनियन होता है और दूसरा पक्ष एम्प्लॉयर होता है। ये दोनों आपस के डिफरेंसेस को, डिस्प्यूट को स्वैच्छिक रूप से आपस में बात करके, नेगोशिएशन करके, डिस्कशन करके दूर करने का प्रयास करते हैं। और वॉलंटरली एग्रीमेंट में, बाईपार्टाइट एग्रीमेंट में कलेक्टिव बार्गेनिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वर्कर्स के कलेक्टिव बार्गेनिंग को मान्यता ना मिले तो शायद स्वैच्छिक एग्रीमेंट पर न पहुंचा जा सके। इसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो दूसरी प्रकृति है वो है ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट्स, त्रिपक्षीय सेटलमेंट। त्रिपक्षीय सेटलमेंट नॉन वॉलंटरली कह सकते हैं आप इसको, और स्वैच्छिक। इस ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट में तीन पक्षकार होते हैं, एक पक्षकार वर्कर्स, इनका एसोसिएशन या फिर इनका ट्रेड यूनियन होता है, दूसरा पक्षकार होता है एम्प्लॉयर और तीसरा पक्षकार स्टेट, जो अपने एजेंसियों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया करता है वो होता है। और तीनों के बीच, तीनों आपस में मिल करके प्रथम दो पक्षों के बीच में जो डिस्प्यूट है, जो डिफरेंसेस हैं, उसको सेटल करने का प्रयास करते हैं। तीसरी प्रकृति है कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट की, जिसको हम कंसेंट अवार्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर किसी अथॉरिटी के द्वारा, किसी एजेंसी के द्वारा, जो कि औद्योगिक विवाद निपटारा अधिनियम 1947 में दिया गया है, उनके द्वारा दोनों पक्ष को, वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में
आपसी सहमति से जो जो कंसेंट बनता है उसके बेसिस पर एक अवार्ड पास किया जाता है, एक निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय दोनों के लिए बाध्यकारी होता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम सेटलमेंट का जो मेमोरेंडम बनता है, सामूहिक सौदेबाजी के अनुबंध का जो रिजल्ट आता है, जो मेमोरेंडम होता है, उसमें हम देखते हैं ढेर सारे क्लाजेस होते हैं और इन क्लाजेस में सम्मिलित है पहला कि उस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने लंबे समय के लिए वो सेटलमेंट इनफोर्स रहेगा। ये समय स्पेसिफिकली बता देने से, ड्यूरेशन निश्चित कर देने से आगे विवाद के जो चांसेस हैं उसको कम किया जा सकता है। आगे के क्लासेस में वेज का टर्म्स क्या होगा, इनकी कंडीशंस क्या होगी, वेज का रेट क्या होगा, क्या बेनिफिट्स वर्कर्स को दिया जाएगा, वर्कर्स को क्या अलाउंसेस दिया जाएगा, वर्किंग क्या आवर क्या होगा, ये सारे जो जो फीचर्स हैं, ये सारे जो कंडीशंस हैं इसको निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही साथ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट में कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट भी निश्चित किया जाता है कि वर्कर्स को कब स्ट्राइक, किस कंडीशन में, किस निहित पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करते हुए स्ट्राइक पर जा सकते हैं या फिर एम्प्लॉयर लॉकआउट कर सकता है, इसकी विस्तृत सूचना होती है जो वर्कर्स को और एम्प्लॉयर को दी जाती है। इसके पश्चात अगले क्लॉज में वर्कर्स की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, एम्प्लॉयर्स की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, एक दूसरे के प्रति इनका क्या ऑब्लिगेशन है, क्या रिस्पांसिबिलिटी है, इसकी विस्तृत चर्चा की जाती है। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि अगर वर्कर या फिर एम्प्लॉयर अपने ऑब्लिगेशंस को नहीं फॉलो करते हैं तो उनके लिए क्या पनिशमेंट हो जाएगा, क्या पेनल्टी उनको। और अंत में जो क्लॉज होता है उस क्लॉज में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन उसमें मेंशन किया जाता है कि डिस्प्यूट किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। एंड दीज आर द क्लॉजेज इन मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। दीज क्लॉजेज आर कॉमन टू बी देयर इन ईच मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड रीचिंग दीज सेटलमेंट्स collective bargaining is important, it is instrumental, it plays important role. इसके पश्चात हम सामूहिक सौदेबाजी की सफलता और विफलता की बात करते हैं। सामूहिक सौदेबाजी जैसा कि लेक्चर के प्रथम भाग में ही चर्चा किया गया था, सामूहिक सौदेबाजी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रेड यूनियन कितना मजबूत है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन का होना सामूहिक सौदेबाजी की सफलता का आधार बनता है। अगर हम कलेक्टिव बार्गेनिंग के सफलता और विफलता को एग्जामिन करें तो सफलता के लिए क्या आवश्यक है या इन आवश्यकताओं के न होने पर कब सामूहिक सौदेबाजी विफल हो सकता है, इसको हम देख सकते हैं। प्रथम हम ये देख सकते हैं कि एक ट्रेड यूनियन का स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन होना आवश्यक है। अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रांग नहीं है तो वो वर्कर्स के कलेक्टिव एफर्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। और हम जानते हैं औद्योगिक विवाद में ट्रेड यूनियन के द्वारा मामले का रिप्रेजेंट किया जाना एक आवश्यकता है, तभी हम उसको एक औद्योगिक विवाद मानते हैं। अदरवाइज डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा कि वो औद्योगिक विवाद है या नहीं। स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियन के साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग एंड सिंपैथेटिक मैनेजमेंट का होना भी आवश्यक है। एक सिंपैथेटिक मैनेजमेंट, एक सेंसिटिव मैनेजमेंट वर्कर्स के कंसर्न्स को समझता है, उस पर फोकस करता है और उसके न्यायोचितता को देख करके उसे पूरा करने का प्रयास करता है। तो मैनेजमेंट का भी सिंपैथेटिक होना और साथ ही साथ स्ट्रांग होना सामूहिक सौदेबाजी की सफलता और विफलता का कारण बनता है।
इसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर एग्रीमेंट को निर्धारित किया जाना, क्या उद्देश्य है, वर्कर्स का क्या उद्देश्य है, एम्प्लॉयर का क्या उद्देश्य है, और इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रख करके दोनों के बीच में एग्रीमेंट को निर्धारित किया जाता है। तो दोनों के उद्देश्यों को ध्यान में रखना सामूहिक सौदेबाजी की सफलता का एक आधार बनता है। अगर सामूहिक सौदेबाजी का यूज करके हम केवल वर्कर्स के उद्देश्य को ध्यान में रखें तो शायद वो सफल नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ हमको एम्प्लॉयर के उद्देश्यों को भी देखना पड़ेगा। और इसी प्रक्रिया में अगले चरण पर वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में कोऑपरेशन होना आवश्यक है, पारस्परिक कोऑपरेशन और ट्रस्ट बहुत आवश्यक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट बिटवीन workers and employer is a must to solve the disputes using collective bargaining. साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी की सफलता और विफलता का कारण बनता है willingness to resolve industrial dispute. अगर workers, उनके trade unions, उनके association या फिर employer, उनके association, अगर dispute को या फिर औद्योगिक समस्याओं का निस्तारण करने का की मंशा नहीं रखते हैं, विलिंगनेस नहीं रखते हैं, तो शायद सामूहिक सौदेबाजी का कोई औचित्य नहीं होगा। दोनों पक्षकारों के तरफ से सामूहिक सौदेबाजी को यूज करने के दौरान ये विलिंगनेस भी होना चाहिए कि वो आपसी विरोधाभास को दूर करना चाहते हैं, आपसी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तभी सामूहिक सौदेबाजी सफल हो सकती है। इसके पश्चात हम देखते हैं, अगर निष्कर्ष के रूप में देखने का प्रयास करें तो भारत में सामूहिक सौदेबाजी को हम महत्वपूर्ण मानते हैं और इसको महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, इसकी सफलता का आधार सुनिश्चित किया जा सकता है और इसको हम यूज करके वर्कर्स को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वर्कर्स अपने कंसर्न्स को एम्प्लॉयर के प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जो देखने में आता है वो ये है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडिया में, जैसा कि ट्रेड यूनियन का राजनीतिक जो एफिलिएशन है, पॉलिटिकल एफिलिएशन है, वो बड़ा अपेरेंट, और पॉलिटिकल एफिलिएशन होने से समटाइम्स वर्कर्स डिसाइड नॉट टू यूज कलेक्टिव बार्गेनिंग इफ द पॉलिटिकल पार्टी टू व्हिच दे आर एफिलिएटेड इज इन पावर। एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन जो कि बहुत ही अधिक वर्कर्स का एक संगठन है, वर्कर्स को रिप्रेजेंटेशन देता है, लेकिन खुद ही वो अगर राजनीतिक पार्टी से एफिलिएशन लिया हुआ है और राजनीतिक पार्टी के डिसीजन को आंख बंद करके मान रहा है, उसके अगेंस्ट कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, तो ऐसे कलेक्टिव बार्गेनिंग का या फिर ऐसे ट्रेड यूनियन का कोई औचित्य नहीं है और वर्कर्स की स्थिति के सुधार में इनका कोई बहुत योगदान नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इंडिया में जो एक अप्रोच है वह यह है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं, कभी कभी इनका जो अप्रोच है वो सेलेक्टिव हो जाता है। किसी एक कंसर्न के लिए गवर्नमेंट से निगोशिएशन करने के लिए, एम्प्लॉयर से निगोशिएशन के लिए तैयार होते हैं, किसी दूसरे कंसर्न पर ये निगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इनका जो सेलेक्टिव अप्रोच है कि एक मामले में तो वो बहुत एक्टिव रहते हैं, दूसरे मामले में बहुत पैसिव हो जाते हैं, ये अप्रोच कलेक्टिव बार्गेनिंग को कमजोर करता है और इसका एक कारण बनता है। और इसके साथ ही साथ जो ट्रेड यूनियंस हैं, ड्यू टू देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, दे समटाइम सीम्स टू सरेंडर बिफोर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के समक्ष ये सरेंडर कर देते हैं और गवर्नमेंट के प्रति या फिर अपने एम्प्लॉयर के प्रति बहुत स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में कलेक्टिव बार्गेनिंग तो है, लेकिन उस कलेक्टिव बार्गेनिंग का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उसका उपयोग नहीं किया।
अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो यह कह सकते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी वर्कर्स की स्थिति को सुधारने का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक अच्छा साधन है, लेकिन इस साधन का औचित्य तभी है जब इसको ट्रेड यूनियन के द्वारा सफलता से प्रस्तुत किया जाए और उसका उपयोग किया जाए। अगर इसका उपयोग नहीं किया जाता है और वर्कर्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का कोई औचित्य नहीं है, और एम्प्लॉयर का हमेशा प्रयास रहता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग को वो कमजोर करें। तो ट्रेड यूनियंस को हमेशा इस चीज को ध्यान में रख करके, इस बात को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना चाहिए कि एम्प्लॉयर आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग को, सामूहिक सौदेबाजी को हमेशा डिस्करेज करने का प्रयास करेगा, उसको असफल करने का प्रयास करेगा, और इसी दौरान आपको उसकी सफलता के लिए काम करना है। और इसकी सफलता पर आप तभी काम कर सकते हैं जब जब आप सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग करके वर्कर्स के कंसर्न्स को आप सफलतापूर्वक रिप्रेजेंट करें और पार्टिसिपेशन करें डिस्कशन में और वर्कर्स के लिए विन टू विन का एक अप्रोच ले करके आप आगे बढ़ें। धन्यवाद।